भैंस की आंख। कि मुझे जाना है एक हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर। खत्म ब्रेक शू। आज धक्का दे के ले जा रहे हैं, कल को इसको चला के लेके जाएंगे, ये आपसे मेरा वादा है। तो जब हम हायाबुसा से लॉन्ग राइड पे जाएंगे ना, तो रिएक्शन एक नंबर के मिलने वाले हैं भाई। इसमें आपकी फोटो आ रही गुटखा खाते हुए, कहीं आपके घर पे ना पहुंच जाए वाइफ के पास। बनाने से फायदा नहीं है कोई। जो पहली बार हम बाइक खरीदते है ना यार, उसका जो एक अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं रह रहा है मेरा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा 5 साल बाद हमारी पल्सर 200 की चाबी हमें मिल गई थी। तो हमें बाइक का सेंटर लॉक खोलना था, बिकॉज बाइक जानी थी मैकेनिक के पास। तो सेंटर लॉक में बहुत रस्ट था, बहुत जंग था, तो हमने रस्टिंग ल्यूक लगाकर उसको कैसे तैसे खोल दिया। खुल गया यार, वो बाइक कैसे खुल गया। तो बाइक को ले जाने के लिए मैकेनिक आ चुका था, बट बाइक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। तो फिर हम लेके आए बाइक को खोलने के टूल्स। तो भाई आ गए हैं दोबारा, भाई ले आया सारे के सारे औजार। पीछे का हो गया टायर जाम, इसको खोलेंगे फिर देखते हैं कैसे आगे ले जाए। अरे भैंस की आंख, जाम हो गई। तो भाई ने लगा दिया पे ग्रीसिंग तेल वगैरह, भी स्टार्ट होगी इसकी मरम्मत। ब्रेक तगड़ी तरीके से जाम हो रखी है, देखो काफी सालों से ये देख रहे हो, जंग लग गई, जंग लग गया। देखो ये देखो भाई, आराम, ये देखो आप चेन, देखो चेन की हालत देखो भाई, ये गुगली देख लो, गुगली ये देखो इसकी हालत। अभी हम आपको 200 का बाइक बहुत कम निकली थी ना, स्पोर्ट्स मॉडल निकाला था इन लोगों ने, इसके सामान मिल जाता अपन को। इंजन विंजन का हाफ इंजन कराएंगे बोल रहे थे अपन, मिल जाता है, थोड़ा घूमना पड़ता है बट मिल जाएगा, मिल जाएगा। सारी सारी हल्की हल्की हमें तो वीडियो बनानी थी, इसलिए हम पूरी वीडियो बना रहे हैं। अभी हम आपको इसके ब्रेक जो निकाल के दिखाएंगे, क्या जिनकी हालत भयंकर खराब हो रखी होगी। अच्छा ये भाई, ये टूट गई है पूरी की पूरी प्लेट। खत्म ब्रेक शू, खत्म हो गया। ये टायर भी देखो फट चुका है आपका, कहाँ मेरा ये टायर, टायर भी गया। ये देखो ब्रेक शू की मां बहन हो गई, आपके बेकार हो चुके हैं। ये देखो लेदर छूट गया, जब आपकी गाड़ी आपकी काम में, इसकी वजह से जाम होती है। हाँ। ये ना लेदर छूट जाता है, ये ड्रम में फंस जाता है। हाँ। ये लेदर भी होके हार्ड हो जाते हैं। भाई कह रहा है कि भाई थोड़ा सा आप सबर रखना, धीरे धीरे करके मैं आपका काम करूंगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन को कहीं थोड़ी ना जाना है, धीरे धीरे सारी अपडेट्स वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा काम नहीं है बेल्डिंग, खोल के दे दोगे ना तुम, हम आपको खोल के दे देंगे। पत्ते पीछे का टायर अपना पूरा तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट लग गया है, अब हम इसको धक्का मार के ले जाएंगे। अभी फिलहाल ये कपलर भी कह रहा है भाई कि खराब हो गया, जंग लग गया, तो अभी ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो रहा, बट हो तो जाएगा, हाँ पर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ इसको थोड़ा सा सेट करके ठोक देगा भाई अंदर, क्या नहीं लग पा रहा, थोड़ा जाम हो चुका है भाई, कह रहा थोड़ा सा जाम है, थोड़ा सा जंग लग गया है, तो थोड़ा सा इसकी सेटिंग करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये लग नहीं पाएगा अभी, क्योंकि बहुत बोल्ट वगैरह जाम है, इसके जाम हो रखा है बोल्ट वगैरह। तो फिर कैसे जाएगी, कैसे अटकेगा नहीं चलते हुए, इसको किनारे कर दो ना, कहीं अटक ना जाए उसमें, कहीं चलते चलते इसको बांध देना। हाँ पता चले अटक जाए तो चलो, अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल हमारा ये किसी भी तरह गैरेज पे गाड़ी पहुंच जाए, इधर पे खड़ी रहती है बाइक, बारिश भी आती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार किसकी बाइक है फलाना ढिकाना, पता चले कंप्लेंट कर दी, बाइक हमारी पहुंच जाए स्क्रैप मार्केट में, कोई कटवा दे कहीं से भी उठा के ले जाए पुलिस। चलो भाई अब इसको कैसे ले जाएंगे, थोड़ा धक्का मारूंगा स्कूटी से पीछे से, बाइक चलाएगा इसको, ये देखो कितना हार्ड हो चुका है, ये मुलायम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए एकदम, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट तो नहीं है, पानी की वजह से फूल चुका है, ये देखो आप, हाँ सब फूल गया है, ये फूल चुका है, और ये चीज़ इस पर चिपकी रहती है, एकदम मुलायम होती है जब ब्रेक काम करते हैं गाड़ी के। हाँ ये बांध दो, कहीं अटक जाए ना चलते चलते, इसलिए मैंने कहा इस पर बांध दो भाई। ये देखो अभी भाई बैठेगा, मैं पीछे से इस पर टांग लगाऊंगा, ये
गाड़ी बहुत जाम हो चुकी है, इसकी वजह से हम चल चल सही है, मैं रोक ले, वो तो रुक जाएगी, ले ले नीचे ले ले, तो अभी टाइट क्यों हो रही है? तो भाई बहुत अभी भी जाम है, आगे वाला टायर जाम है, तो धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज धक्का देके ले जा रहे हैं, कल को इसको चला के लेके जाएंगे, ये आपसे मेरा वादा है। बारिश है मगर दिक्कत ये भी है कि अपना एक्शन कैमरे में ना थोड़ा बूंदे बूंदे आ रही होगी, अब फुटेज पता नहीं कैसा है, बारिश आ रही है हल्की हल्की। ले ले भाई ले ले, मेहनत का फल मीठा होता है भाई, मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरह। अपना ये जो पुरानी बाइक, सबसे प्यारी हमारी ड्रीम बाइक, फर्स्ट में जो ली थी हमने, इसकी सांसें लौट आए, मेहनत करेंगे तो ही लौटेगी, अगर सोचते ही रहेंगे तो बिल्कुल काम नहीं होगा। लग तो मस्त रही है चलते हुए, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। तो जब हमने ये बाइक ली थी तब हम इसको खरीद के लेके आए थे, उस दिन का मैं दिन सोच रहा हूँ, उस दिन क्या खुशी थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ऐसा कभी इस बाइक को दोबारा बना पाऊंगा, बिकॉज मैंने तो ये सोच लिया था कि मतलब मेरे मन में एक ख्याल डाल दिया था लोगों ने कि अब इस बाइक को तुम स्क्रैप करा दो, इसको बनाने से फायदा नहीं है कोई। जो पहली बार हम बाइक खरीदते है ना यार, उसका जो एक अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं रह रहा है, मेरा रह गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था यार कैसे करूं मैं इसको, मतलब डिसमेंटल कैसे। तो आप लोगों का भी थोड़े बहुत कमेंट मिले तो मेरे को थोड़ा सा उससे ना मोटिवेशन मिला कि यार चलो ठीक है, खर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाएंगे पूरी प्रॉपर, कहीं ना कहीं किसी को नॉलेज भी हो जाएगी उस वीडियो के थ्रू, मेरा भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मेरी बाइक भी तैयार हो जाएगी। तो मेरी कोशिश इस वक्त यही है कि कैसे भी मैं इसकी सांसें वापस लौट के ले आऊं। तो अभी तो हम बीच रोड पे आ गए, यहाँ की बीच रोड है ऑलमोस्ट, भाई बीच रोड पे ही बैठता है, बट इसका गैरेज अंदर की तरफ है, धीरे धीरे करके हम ले ही आए। तो हवा भरने आ गए, बजरंग बली रुक जा, भैंस की आंख, बट मुझे मुश्किल लगता है, तुम्हें भी मुश्किल लग रहा है, तुम भर गई, हवा से भर गई भाई ये गाड़ी, खाली खाली हवा से भर जाएगी, पीछे का मुझे डाउट है, पीछे भी भर जाएगी, कमाल हो जाएगा भाई अगर हवा भर गई तो। ओ पंचर भी है भाई, इसको लगवा लूं क्या पंचर? पहले पानी डाल के देखो ना, नहीं हो रहा तो छेड़ना मत, नहीं तो छेड़ दोगे तो खराब हो जाएगा। अब तो आराम से जाएंगे, क्या गैरेज में खड़ी करनी है? लॉक ही थी पहले। चलो 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 चलो, चलो। इसको इस तरफ से लॉक करते हैं। ये गैरेज पे लग चुकी है भाई का, ये सारे गैरेज है इधर, इसके अंदर सब में सामान पड़ा। ये भाई साहब एक कैमरा है, इसमें आपकी फोटो आ रही गुटखा खाते हुए, कहीं आपके घर पे ना पहुंच जाए वाइफ के पास। तो गाइस बारिश बहुत तेज हो गई है। अरे यार भाई, जैसा कि आपने देखा कि अपन ने बाइक रख दी है उधर पे और बारिश बहुत तेज हो रही है। तो अब ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जाना है एक हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर, और मैं जब वहाँ से वापस आऊंगा तो इस बाइक का काम चालू कराएंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जा रहा हूँ दिल्ली से बाहर कुछ दिनों के लिए हायाबुसा पर। तो इस वक्त अपन ने पल्सर को कर दिया मैकेनिक के यहाँ पर खड़ी, अब वो उसको थोड़ा सा साफ सूफ कर लेगा। मैंने उसको बोला है 5-6 दिन तक मैं आ जाऊंगा, उसके बाद बाइक का काम स्टार्ट करना, जिससे कि हम लोग कुछ व्लॉग्स बना पाए बाइक को ठीक होते हुए और आपके साथ शेयर कर पाऊं। और अपन ने कर दिया इसका काउल को रिमूव, देखो पीछे अपन ने सीट लगा दी है, काउल को रिमूव कर दिया। इसका कारण ये है कि अपन को टांगना है एक बैग, हवा वगैरह बाइक की प्रॉपर चेक करा लिया, टायर अभी अपने सही है, ब्रेक शू भी सही है, पीछे वाला भी टायर एकदम सही है, ब्रेक शू भी सही है, सारा का सारा चेक करा लिया, साइलेंसर अपन ने प्रॉपर लगा लिया इधर पे। तो ऑयल वगैरह मैंने पहले ही चेंज करा लिया था कुछ दिनों पहले ही, और ये एक बार ऑयल चेंज कराने से 5000 किलोमीटर चल जाती है, अच्छा ऑयल डालो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अपनी इतनी बाइक ही नहीं चली तो ऑयल सब मस्त, एकदम मस्त। तो गाइस बस आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए, जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा प्लीज आप उसमें लाइक करना, प्लीज कमेंट करोगे, बस थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं आता एक लाइक करने में। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ले पाऊं। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।